अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने लगे हैं टिक्का बिरयानी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। ये हमने लिया है टमाटर, ये लेमन जूस लिया हुआ है, ये हमने लिया हुआ है दो लीमू काट के, और तकरीबन दो ही हमने इसमें टमाटर लिए हैं वो काट लिए, इसमें तवों में इस्तेमाल होंगे। ये हमने लिया है पुदीना, इसके पत्ते अलग करके रख लिए हैं। ये सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, ये धनिया है, दो प्याज लिए हैं दरमियाने, और ये दही है 1 पाव 250 ग्राम्स, ठीक है। और ये हमने चावल लिए हैं, आधा घंटा हो गया इसको भिगोए हुए, ये 750 ग्राम चावल है, और 750 ग्राम ही हमने चिकन लिया है। इसमें ये बिरयानी मसाला डलेगा वो रखा हुआ है हमने। यहाँ पर हमारे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल हम यूज़ करेंगे, और साथ में देसी घी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये हमने सिरका रखा हुआ है। बाकी मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका कौरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक प्याली जो है उसमें ऑयल डाल दिया हुआ है, ये गर्म हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे दो प्याज, ये दरमियाने साइज के प्याज हैं जो कटे हुए हैं, ये फ्राई करेंगे इसमें हम। साथ ही इसमें हम ये चिकन भी ऐड कर देंगे, अब इसको भी साथ फ्राई करना है हमें। चिकन जो है ना हम इसमें लाइट सा फ्राई करेंगे, बाकी इसको मसाले डालने के बाद फिर हम इसको हल्का सा गलने के लिए रखेंगे। ये हमारा चिकन थोड़ा सा फ्राई हो गया। अभी इसमें हमने टमाटर का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो हमने ऐड करना है। ये तकरीबन 250 ग्राम टमाटर है जिसका पेस्ट है। ये टमाटर का पेस्ट डालने के लिए के बाद हमने इसमें अब ये डालना है बिरयानी मसाला। ये कोई भी मसाला आप डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है ये मेहरान बिरयानी मसाला, तो क्योंकि इसकी इसका जो है इसकी फ्रेगनेंस और जो टेस्ट है वो बहुत ही आला है। अब ये पूरा पैकेट है, ये होता है उसके लिए मतलब 750 ग्राम्स के लिए। तो आपने इसको क्या करना है, आधा इसमें कौरमे में हम डालेंगे और आधा मैं आपको दिखाऊंगी एक खड़ा मसाला हमने बनाना है इसके तवों के लिए, तो उसके लिए मैं बचा लूँगी, ठीक है। ये आधा तकरीबन पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ और आधा मैंने बचा लिया है उसके लिए खड़े मसाले के लिए, ठीक है। अब ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें हमने थोड़ा सा इसका भूनना है, और उसके बाद इसमें पानी डाल के जो है ना मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। ये चिकन तकरीबन हमारा भून गया। अब इसके अंदर हमने एक प्याली पानी इसमें ऐड करना है और फिर इसको हमने मिक्स अच्छी तरह मिक्स करके ये देखें, और ताकि मसाला जो है वो हर तरफ हर उसमें पीस में चला जाए। और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो ढक्कन दे के पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरह से जो है ना वो गल जाए, उसके बाद फिर हम दोबारा हाजिर होते हैं। ये दूसरी तरफ हमने जो है ना पानी रखा है इसको चावल बॉईल करने के लिए। पानी आपने तकरीबन लेना है इसका चावल बॉईल करने के लिए 3 गुना, मतलब हमारे पास 750 ग्राम हमारे पास चावल है, ये 3 पाव, तो उसका 3 गुना हमने इसमें पानी डाला है ताकि वो चावल जो है वापस में जुड़े ना। अब इसमें हमने देख 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करना है और 2 टेबलस्पून इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने जो है ना नमक ऐड कर दिया,
अब इसको पानी को जो है ना थोड़ा उबाल आने तक गर्म करें। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। अब ये देखिए, एक तरफ हमारा ये पानी बॉईल हो रहा है उसके लिए, चावलों के लिए, और दूसरी तरफ हमारा ये कौरमे को दम लगा हुआ है। तो अब हम मैं आपको खड़ा मसाला जो है इसमें जो हमने तहों में लगाना है वो बनाने का तरीका बताती हूँ। खड़े मसाले के लिए सबसे पहले ये जो हमारा ये बचा हुआ पैकेट था मसाले का, ये हमने ये वो डाल दिया। उसके बाद इसमें 2 चम्मच टेबलस्पून यानी कि इसमें दही जा रहा है, 2 टेबलस्पून इसमें हमने डाल दिया है लेमन जूस, केवड़ा है बिल्कुल थोड़ा सा है, बस 4 से 5 ड्रॉप ये आपने इसमें ऐड करना है टेस्ट के लिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने 1/4 टीस्पून इसमें आपने काली मिर्च ऐड करनी है पिसी हुई, ठीक है। ये थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐसे चुटकी से डाली हुई है, और थोड़ा सा इसमें ये ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला। ये गरम मसाला इसमें हर चीज़ जो है वो पहले से भून के उसके बाद इसको इसका वो पेस्ट वो किया हुआ है, इसको पिसा हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है। तो ये बस ये इसमें डालना है, और इसके अलावा इसमें हमने डालना है फूड कलर। ये 1 टीस्पून जो है हमने 1 टीस्पून इसमें डाला है फूड कलर येलो, ठीक है, उसके लिए कलर के लिए। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह से जो है वो हम रख लेंगे, और ये उस वक्त यूज़ होगा जब हम इसकी तहे लगाने लगेंगे। ये चावल, ये पानी हमारा बॉईल हो चुका हुआ है, अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से बॉल को साफ कर ले ताकि इसका एक भी दाना जो है वो जाया ना हो। तो चावल डालने के बाद इसको हल्का सा हमने सारे चावलों को एक दफा हिला देना ताकि इस ये जुड़े ना आपस में, ठीक है। और उसके बाद 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, ये ढक्कन देना। दूसरी तरफ हमारा ये जो कौरमा है वो तकरीबन तैयार होने को है, इसमें भी पानी है, हम इसको खुश करेंगे अच्छी तरह से थोड़ी सी तेज़ आग करके। ये तकरीबन 5 मिनट पकाने के बाद ये देखिए हमारे चावल तकरीबन 80-90% ये डन हो चुके हैं। अब इसको हम स्टेन कर लेंगे। ये देखें जनाब कितने प्यारे चावल जो हैं इस तरह बॉयल हो चुके हैं। ये तकरीबन जो है ना 90% डन हो चुके हैं, और हमने उसको निकाल लिया हुआ है, देखे दाना दाना बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, ठीक है। इस तरह आपने करना है। अब हम आते हैं इस तरह कौरमे की तरफ। ये कौरमा हमारा देखिए तकरीबन तैयार है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है, हमने इसको भून लिया है। अब इसके अंदर हमने डालना है ये दही, दही को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे। ये दही को अच्छी तरह से फेंट लिया, अब इसमें हम ऐड करेंगे। ये तकरीबन 250 ग्राम हमने दही लिया था, जिसमें 2 चम्मच हमने वो खड़े मसाले में यूज़ किया, बाकी का इसमें हमने डाल दिया कोरमे में। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पका ले, ये हमारा हो जाएगा कोरमा तैयार। फिर इसको हमने दम लगाना है कोयले का, ताकि तिक्के वाला टेस्ट हमारा आए। तो हमने क्योंकि हमने बनानी है तिक्का बिरयानी, ठीक है। ये कोरमा हमारा रेडी है, अब इसके ऊपर हमने ये ग्रीन जो मिर्चें काटी हुई थी ये स्प्रिंकल कर देनी है, ठीक है। ये इसको हम एक साइड पे कर देंगे, और अब हमने कोयला जो है वो गरम करना है अच्छी तरह से। कोयला हमने पकने के लिए रख दिया है, अच्छी तरह से जब ये दहक जाएगा रेड कलर का हो जाएगा तो फिर हम इसको उसमें दम के लिए रखेंगे। कोयला हमारा तकरीबन हो चुका है, अब हम इसमें दरमियान में बनाएंगे जगह, ये छोटी सी स्टील की छन्नी हम इसके अंदर रख के अब इसमें रखेंगे हम कोयला।
ऊपर डाल देंगे घी। इसमें से ये धुआं निकला है, अभी इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ये धुएं के अंदर स्टीम सारा इसको हो जाएगा, हमारा मसाला सारा अच्छी तरह इसमें कोयले की खुशबू आ जाएगी। ये देखिए इसके अंदर कितना धुआं ही धुआं हो गया हमारे कोयले का, इसमें अच्छी तरह से जो है ना वो खुशबू आ जाएगी सारे उस मसाले में। ये कोयले के ऊपर देसी घी हमने डाला है जिसकी वजह से इसकी स्टीम जो है ना बहुत ज़्यादा निकल रही है, और इसी की वजह से हमारा टेस्ट आएगा इसके अंदर। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने तीखा बनाया हुआ है। अलग से वैसे चाहें तो वो तीखे वाली बिरयानी भी बन जाती है, लेकिन हमने इस कौरमे वाली बिरयानी मसाले को जो है हमने तीखा बिरयानी बनाया है। ये देखें ये हमारा कोयले वाला दम कंप्लीट हो चुका हुआ है, ये हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये अब तहे लगाने के लिए सबसे पहले हमने नीचे देखिए में चावल डाले, इसके ऊपर कोरमा, अब इसके ऊपर ये जो हमने ये टमाटर, नींबू, धनिया, ये पुदीना और ये धनिया, ये हो गया। अब जो हमने खड़ा मसाला तैयार किया था वो ये इस पर इन जगह जगह डाल दें। अब इसके ऊपर फिर एक दफा फिर चावलों की तेल, ये देखिए चावल जो है हमने इसमें सिरका ऑयल डाला हुआ था जिसकी वजह से ये चावल बिल्कुल नहीं जुड़े, दाना दाना अलग अलग है बिल्कुल। अब इसके ऊपर बाकी का जो ये कोरमा हमारा था वो हम सारा डाल देंगे। फिर वही उसी तरह तय में लीमू, टमाटर, पुदीना, धनिया, खड़ा मसाला, फिर बाकी के तमाम चावल इसके ऊपर डाल के बाकी बचा हुआ तमाम मसाला ये हमारे मैंने डाल दिया है टमाटर और नींबू, ये अब डाल दिया मैंने पुदीना, ठीक है, और ये धनिया, ये खड़ा मसाला, ये बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बिरयानी हमारी टिका बनने वाली है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, यह ईरानी इन अनारदाना,
ये सारा कुछ डालने के बाद ये एक चम्मच जो है ना टेबल स्पून हमने रखा हुआ था नींबू का रस, ये हमने इसके ऊपर ये सारा रस छिड़क के और इसको अब लगा देंगे दम। ठीक है, ये मैंने ढक्कन रख दिया। अब चूल्हे पे हमने तवा और पहले से रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ये तवा अच्छी तरह से देखिए गर्म हो चुका हुआ है, अब इसके ऊपर हम ये रख देंगे देख जाओ। ये देखिए जनाब हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है, अब हम आपको इसको मिक्स करके और डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें जनाब हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है, इसके चावल आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल दाना दाना अलग अलग कलर, देखें कितना प्यारा आया हमारा। ये सर्विंग के लिए तैयार है, अब आप इसको रायते और सलाद के साथ सर्व करें, खाएं, मज़े करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।